दोस्तों आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं एक ऐसी गलती के बारे में जो अक्सर आप करते आ रहे थे, करते आ रहे हैं और पता नहीं कब तक करते रहेंगे। जी हां, सीसीटीवी कैमरा परचेज करने से पहले ये गलती सबसे ज्यादा की जाती है। और यहां तक अगर एक आंकड़ा देखें तो 70% यानी कि 70% लोग ऐसी गलती करते। आखिरकार क्यों ऐसी गलती है, इसका कारण हमने जाना और इस पर मैंने इस वीडियो को बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं कि वो 5 कारण कौन से हैं जहां पर लोग अक्सर गलती करते हैं और वहीं पर मात खाते हैं और वहीं पर आपके गलत सिक्योरिटी सिस्टम परचेज करने का एक कारण होता है जिसे आप लोग नहीं पकड़ पाते। शुरू करते हैं इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो वीडियो पूरा देखिएगा तभी सारी बातें आपको समझ में आएंगी डिटेल से। तो मैं आपको सिंपल में बता दूं, जो पहला पॉइंट है, सडनली अचानक से डिसीजन ना लें। कई बार मैंने देखा है कि सिक्योरिटी कैमरा लगाने के लिए जो है काफ़ी हड़बड़ी होती है, कोटेशन दीजिए कोटेशन, बस रेट प्राइस कैमरा जो है 2.4 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल सारे आपने देख लिया, सी प्लस एक विजन डवा आपने देख लिया, मॉडल नंबर से कोई लेना देना नहीं, और लोग मॉडल नंबर बहुत कम लोग पूछते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं। और फाइनली एक डिसीजन बन जाता है कि हाँ यह कैमरा हमें लगानी है, इसका प्राइस सही है, ठीक है, या आदमी दिखेगा ठीक है, सब कुछ ठीक है, और वो लग जाता है। बट बाद में जब मुझे कई कमेंट आते हैं तो मुझे समझ में आता है कि वो ऐसी गलती परचेज करते समय ही किए होंगे, जिस कारण से उनके साथ ऐसी समस्या का सामना उनको करना पड़ रहा है। ऐसे कंडीशन में किस तरह की गलतियां जो है आप करते आ रहे थे और पता नहीं कब तक करते रहेंगे, उसे समझना बहुत जरूरी है। पहला, सडनली आप डिसीजन ना लें, पहले आप कोटेशन को देखें, कोटेशन को समझें। और जो दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जो आपको कोटेशन मिल रहा है उसके मॉडल नंबर को गूगल पे सर्च करें, ऑनलाइन सर्च करें, प्राइस नहीं देखना है, यह मैं आपको पहले बता दूं, ऑनलाइन पे सर्च करें, उसके पीडीएफ को सर्च करें, कंपनी का पीडीएफ अपलोड रहता है, उसके फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन को समझने की कोशिश करें, उसके यूट्यूब में क्या रिव्यूज हैं, यूट्यूब में कितने वीडियोज हैं, यूट्यूब में अलग अलग जो भी क्रिएटर्स हैं वो क्या कह रहे हैं, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि वह कैमरा जो है किस तरीके का है, उस कैमरे की क्या खासियत है, उस कैमरे की क्या खराबी है, क्या अच्छाई है, यह समझने में आपको काफी आसानी होगी। जैसे इस वीडियो से आप जो है काफी चीजें समझने को मौका आपको मिल रहा है, तो वो चीजें आपको ऑनलाइन हेल्प मिल जाती है जो कि पहले ये चीजें नहीं होती थी। तो आपको इसका सहारा लेना चाहिए और लेना पड़ेगा, तभी एक बेहतर सिक्योरिटी सिस्टम आप परचेज कर पाएंगे। इसके बाद यहीं पर जस्ट जो दूसरा है कि वो कैमरा, उस कैमरे की पीडीएफ को आपने देख लिया, उस कैमरे के रिव्यूज को देख लिया, उस कैमरे की व्यू क्वालिटी को देख लिया, अब डिसीजन बनता है कि डीवीआर, हर कैमरा हर डीवीआर में अलग अलग क्वालिटी देता है, याद रखिएगा हर कैमरा हर डीवीआर में अलग अलग क्वालिटी देता है। आज के समय में कैमरे का डीवीआर में सपोर्ट करना और कैमरा बेहतर क्वालिटी देना, ये दो अलग अलग बात है, यानी कि वो कैमरा अलग अलग डीवीआर में अलग अलग क्वालिटी देता है, आज के समय की यही सच्चाई है। आप जिस कैमरे को परचेस कर रहे हैं हो सकता है कि वह कैमरा काफी बेहतरीन बट गलत डीवीआर परचेस करने के कारण बेकार हो गया सारा चीज, या फिर डीवीआर आपने सही परचेस किया कैमरा आपने गलत परचेस कर लिया, तो ये जो दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये सही नहीं बैठता, इसके कारण आपके अधिकतर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहां पर मैं एक और चीज में बता दूं, ऑनलाइन भी आपने काफी कंपैरिजन वीडियो देखा होगा कि सी प्लस का यह कैमरा है, डवा का यह कैमरा है, हिकविजन का यह कैमरा है, इसकी क्वालिटी देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए, इसकी क्वालिटी देखिए। मैं आपको बता दूं कि ये भी रियल नहीं हो पाता, इसमें भी काफी फेक रिव्यूज होते हैं, कारण मैं बता देता हूं, उनको भी नहीं पता कि ये फेक रिव्यूज कैसे बन गया। देखिए आपका जैसे कि हिकविजन का 5 मेगापिक्सल का कैमरा जो है आपके HDHI में भी चलता है, HUHI में भी चलता है, HQHI में भी चलता है, लेकिन तीनों में अलग अलग क्वालिटी आपको मिलती है, ठीक है, कोई किसी में लाइट मोड आपके जो प्लास्टिक बॉडी वाले हैं HQHI वाले हैं इसमें लाइट मोड में मिलता है, HUHI में थोड़ा FPS ज़्यादा मिलता है और HDHI में FPS ज़्यादा मिलता है, इस कारण से अलग अलग क्वालिटी एक ही कैमरे की। और यही चीज आपके सी प्लस में भी है, सी प्लस का मान लीजिए कलर व्यू कैमरा है आपका जो कि 4K एच में काफी बेहतरीन चलता है, फिर जो है आपका HC मॉडल है, फिर CS मॉडल जिसको इको मॉडल आप कर लीजिए सी प्लस का, तो तीनों में चला बट वही कैमरा तीनों में अलग अलग क्वालिटी दे पाए। तो अब यहां पर अगर कोई कंपेयर करे तो उसको यह जरूर समझाना पड़ेगा कि यह किस DVR में मैं कर रहा हूं और किस DVR में जो है यह बेहतर क्वालिटी दे रहा है। अब किसी को भी कम आंकना या कम बता देना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि अलग DVR से आप कंपेयर कर रहे हैं तो वो कैमरे की क्वालिटी 100% नहीं दे पाती, तो यह कंफ्यूजन होता है। तो यहां पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि रिव्यूज जो है वो किस DVR के मॉडल नंबर के हिसाब से दिया गया है,
ठीक है, और आपको कौन सा DVR परचेस करनी चाहिए यह जरूर समझें, वो आपको आइडिया मिल जाएगा ऑनलाइन में। अब बात करते हैं कि DVR जब भी आप परचेस करें, अपग्रेड मॉडल का परचेस करें, यह मैं आपको बार बार बताता हूं, जिसमें कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग जो क्वालिटी है वो मिलते हैं और बेहतरीन जो हाई क्वालिटी है वो गेन कर पाते हैं वो DVR। जैसे कि आपको मैंने बार बार बताया कि IDS मॉडल को हिकविजन में परचेस करें, सी प्लस मैंने 4KH मॉडल वाले को मैंने बताया कि वो परचेस करें, वो आपको हाई क्वालिटी दे पाएगी। तो जब हाई क्वालिटी आपको दे पाएगी तो निश्चित तौर पे एक बेहतर आपको पिक्चर मिलेगा, जिससे कि आप ठगावा महसूस नहीं करेंगे। अब एक और चीज, कैमरा को आपने देख लिया समझ लिया, DVR को देख लिया समझ लिया, अगर कैमरा DVR आपने सही ले लिया तो आपका 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बट जो 10% में गिनती आती है, हार्ड डिस्क तो आपको चले बाद में प्रॉब्लम आएगी और 2-3 साल बाद इश्यूज आते हैं, आता, बट वायर का काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आसानी से आप एक आम इंसान की भाषा में समझ सके, वायर ब्रांडेड यूज कीजिए, दिल्ली मेड वायर मत यूज कीजिए। दिल्ली मेड वायर में मीटर भी लिखा नहीं होता और आपको यार्ड में आता है, लोहा का वायर मिक्स होता है, काफी चीजें मिक्स होती है जो कि सस्ते प्राइस के लिए बनी है। आप हमेशा ब्रांडेड वायर को यूज कीजिए, चाहे वो सीपी प्लस हो, चाहे वो हिकविजन हो, या फिर इससे ऊपर के कई ब्रांड है जो कि बेहतर सीसीटीवी का वायर बनाते हैं, तो आप उसे यूज कीजिए, तो निश्चित तौर पर आपको कैमरे की क्वालिटी इससे काफी ज्यादा प्लस मिलेगी। और इन फ्यूचर जो आने वाले समय में जो कैमरे का जो नेगेटिव वाला जो वायर होता है, जो कॉमन वायर होता है, वो धुर्री जैसा उड़ जाता है, ये दिल्ली मेड में होता है, बट आपको ब्रांडेड वायर में नहीं होगा। आपको पिक्चर में जो हेजीनेस आती है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो वायर, कैमरा और DVR, इन तीनों को आप ध्यान से खरीदिए, समझ बुझ के खरीदिए, थोड़ा लेट से परचेस कीजिए, बट परचेस कीजिए सो समझ कर। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।